जय हिंद। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, देखेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कैसे किया गया है, इसका कंपोजिशन क्या है और फंक्शंस क्या हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। ये सारी बातचीत आज अपने को करनी है। अच्छा, वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैब्लिशमेंट के बारे में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया अंडर एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961। किस एक्ट के अंडर स्टैब्लिश किया गया है? एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 के अंडर। बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टेटूटरी बॉडी है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। किस एक्ट के अंडर स्टैब्लिश किया गया है? एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 के अंडर। कहानी शुरू होती है 1951 से, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया और इसके चेयरमैन थे सुप्रीम कोर्ट के जज एस आर दास। जस्टिस एस आर दास की चेयरमैनशिप में ऑल इंडिया बार कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1951 में, और इसको काम दिया गया था कि कंट्री में लीगल प्रोफेशन को लेके और बार के रीऑर्गेनाइजेशन को लेके जो भी इश्यूज हैं उनको एग्जामिन करना है। ऑल इंडिया बार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1953 में और अपनी रिकमेंडेशंस में ऑल इंडिया बार कमेटी ने यह कहा कि हमें ऑल इंडिया बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल्स को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल्स को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ये रिकमेंडेशन दी ऑल इंडिया बार कमेटी ने, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1951 में। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1953 में और इसके चेयरमैन थे जस्टिस एस आर दास। फिर 1958 की लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने भी इन रिकमेंडेशंस को सेकंड किया, बोला कि हाँ ऐसा करना चाहिए। और इसके बाद सरकार लेकर आई एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961, जिसके थ्रू बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी होने का सीधा सा मतलब है कि डे टू डे बेसिस पर फंक्शन करने के लिए इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी मिलती है। और ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये किसके अंडर वर्क करती है? ये वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंडर फंक्शन। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर। दो तीन चीज़ें याद रखनी है। किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है? एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। कैसी बॉडी है? ऑटोनोमस बॉडी है। और किसके अंडर फंक्शन करती है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंडर फंक्शन करती है। फिर बात आती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन क्या है। एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इलेक्टेड और एक्स ऑफिशियो दोनों ही मेंबर्स होते हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं और कुछ जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते हैं? हर एक स्टेट की स्टेट बार काउंसिल अपने मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को इलेक्ट करती है और भेजती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर के तौर पर। तो हर एक स्टेट की बार काउंसिल जो है वो अपने मेंबर्स में से एक मेंबर को इलेक्ट करती है और भेज देती है उसको कहाँ पे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनने के लिए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा और जो भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा वो बाय डिफॉल्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बन जाएगा। इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? हर एक स्टेट की बार काउंसिल अपने मेंबर्स में से एक मेंबर को इलेक्ट करके भेज रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। एक चीज़ और है कि ये जो एक मेंबर भेजा है स्टेट की बार काउंसिल ने, इसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में टेन्योर कितना होता है? तो टेन्योर सेम उतना ही रहता है जब तक कि ये स्टेट बार काउंसिल का मेंबर रहता है, तब तक ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मेंबर रहता है। बड़ी सिंपल बातचीत। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अच्छा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन भी होता है। और ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कहाँ से आते हैं? दे आर इलेक्टेड बाई द काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर। बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स आपस में से एक चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं और एक वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। और ये जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इनका टर्म कितना होता है? 2 साल का होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अपनी कमेटीज़ भी होती हैं, जैसे डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा लीगल एड कमेटी होती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, लीगल एजुकेशन कमेटी होती है और अदर कमेटीज़ अगर ज़रूरत हो तो बनाई जा सकती हैं। नाम से ही क्लियर है।
डिसिप्लिनरी कमेटी डिसिप्लिन रिलेटेड मैटर्स से डील करती है। लीगल एड कमेटी, अभी अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे कि एक फंक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये भी है कि लीगल एड एडवाइस प्रोवाइड करना, तो उन मैटर से डील कौन करता है? लीगल एड कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिसीजंस लिए उनको एग्जीक्यूट करने का काम। लीगल एजुकेशन कमेटी, आगे चलते अपन पढ़ेंगे कि हमारे कंट्री में लीगल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रिकॉग्निशन देना, उनको इंस्पेक्ट करना, वो काम कौन करता है? वो काम करता है लीगल एजुकेशन कमेटी। और अदर कमेटीज़ अगर ज़रूरत हो तो बनाई जा सकती हैं। सिंपल बातचीत, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियल कौन कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इलेक्टेड कौन है? हर एक स्टेट की स्टेट बार काउंसिल अपने मेंबर्स में से एक मेंबर को इलेक्ट करके भेजती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर के तौर पे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन होते हैं और एक वाइस चेयरमैन होते हैं, एंड दे आर इलेक्टेड बाय द काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और इनका टर्म कितना होता है? 2 साल का। फिर इसके बाद बात आती है फंक्शंस क्या हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, और अब आपको थोड़ा बेहतर तौर पर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती क्या है, काम क्या है इसका। पहला फंक्शन क्या है? कंट्री में जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके प्रोफेशनल कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करने की जिम्मेदारी किसकी? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। जो भी एडवोकेट्स हैं उनके प्रोफेशनल कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे वो ले डाउन कौन करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, उसके प्रोसीजर को ले डाउन करने की भी जिम्मेदारी किसकी? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। इन जनरल कंट्री में जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके राइट्स को, उनके प्रिविलेजेस को, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का काम किसका? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। कंट्री में जो भी लॉ रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनको प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना, ये भी काम किसका है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। स्टेट की बार काउंसिल अगर कोई मैटर रेफर करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए तो उससे डील करना और उसको अल्टीमेटली डिस्पोज करना, ये भी काम किसका है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। इन जनरल स्टेट की बार काउंसिल्स के ऊपर सुपरविजन कंट्रोल किसका होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। कंट्री में लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना और लीगल एजुकेशन के क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे उनको ले डाउन करना इन कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट बार काउंसिल्स, ये भी काम किसका है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। लॉ रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन देना और उनको फिर टाइम टाइम पर विजिट करना, इंस्पेक्ट करना, देखना कि वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये भी काम किसका है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। लीगल टॉपिक्स पे सेमिनार्स कंडक्ट करवाना, टॉक्स ऑर्गेनाइज करवाना, पेपर्स पब्लिश करना, जर्नल्स पब्लिश करना, ये भी काम किसका है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। गरीब लोगों के लिए लीगल एड भी ऑर्गेनाइज करवाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर इसके अलावा कोई इंसान ऐसा है जिसने लॉ रिलेटेड क्वालिफिकेशन किसी फॉरेन कंट्री से ली है और अब वो हमारे कंट्री में वापस आ गया, मतलब अपने कंट्री में वापस आ गया, इंडिया में वापस आ गया, और कह रहा है कि मुझे एडवोकेट के तौर पे रजिस्टर किया जाए, एडमिशन दिया जाए मुझे, तो उसको एडमिशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए उसके स्टैंडर्ड्स को भी ले डाउन करने की जिम्मेदारी किसकी है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। इसको फंड्स दिए जाते हैं, उन फंड्स को मैनेज करने का काम, इन्वेस्ट करने का भी काम किसका है? खुद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो भी कौन करवाता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करवाती है। और एडवोकेट एक्ट के अंडर जो भी इसको अदर फंक्शंस दिए गए हैं उनको भी परफॉर्म करने का काम किसका है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। बहुत सिंपल, एडवोकेट्स के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा रहेगा उसके स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना, एडवोकेट्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, फिर अगर किसी को लीगल एड एडवाइस की ज़रूरत है उसको ऑर्गेनाइज करना, लीगल टॉपिक्स पे सेमिनार्स टॉक्स ऑर्गेनाइज करवाना, स्टेट की जो भी बार काउंसिल्स हैं उनके ऊपर जनरल सुपरविजन, यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन देना और ये देखना कि वो ठीक से फंक्शन कर रही हैं नहीं कर रही हैं, अपने फंड्स को मैनेज करना, ये सारे काम हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। अच्छा, एक पॉइंट अपन ने बोला कि इट मैनेजेस एंड इन्वेस्ट्स इट्स फंड्स, ये जो पैसा है इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ यूटिलाइज करती है? एक तो एडवोकेट्स के बेटरमेंट के लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं उन स्कीम्स के फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। गरीबों के लिए या इन जनरल लीगल एड देनी है, एडवाइस देनी है, खर्चा आता है कौन प्रोवाइड करती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। कंट्री में लॉ रिलेटेड लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश करना ताकि जो लॉ रिलेटेड एजुकेशन है वो प्रमोट हो, उसके लिए भी फंड कौन देता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। पैसा आता कहाँ से?
इसको ग्रांट के तौर पर पैसा मिलता है, डोनेशन ले सकती है ये, गिफ्ट रिसीव कर सकती है, और ये जो पैसा है, ये जो फंड है, इसको फिर वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इंटरनेशनल बार एसोसिएशन या फिर इंटरनेशनल लीगल एड एसोसिएशन को भी ज्वाइन कर सकती है, ताकि पता चले कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। और इसके साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बातचीत ख़त्म हो गई। बहुत ईजी, बहुत सिंपल सेशन था। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।